पर ही छोटे छोटे बच्चों का एक सवाल था, कहते थे कि दिलजीत ने फिल्म में ट्रेलर में देखा है उन्होंने कि एक आदमी आपको गोली मारता है और गोली नाक में फंस जाती है। हाँ जी। तो कहते नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ऐसे चने उछाल के खाते हैं, हालांकि हमने लड़कियों को भी ऐसे करते हैं देखा, तो कहते आप उनसे ऐसे करवा के देखना तो ज्यादा मुंह से कौन लपकता है, उन्होंने भेजे भी हैं और इनमें से कितने कैच करते हैं। चने बोल के उन्होंने मूंगफली भेज दी एक्चुअली। हाँ ये अच्छी। ओके हमारी ऑडियंस गिनती करेगी ऐसे उछाल के ऐसे। ऐसे हो सकता है भाई। हैं? ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कहूँ उछाल के चेक करते। एक भी नहीं होगा, आप कर लोगे? मैं भी करता हूँ साथ में, नो प्रॉब्लम। डन हो गया। ओके। ओके। 1, 2, 3 स्टार्ट। वेल ट्राई। वेरी क्लोज। ओए! क्या बात है? ओके सेकंड ट्राई। मुझे लगा डाइट कॉन्शियस जान के ही नहीं खा रही ना। मुबारक हमारे देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही। ओके बाजी मालो बाजी चलो बात ही खत्म। बैठो पाजी। पाजी सोनम के बारे में हमें किसी ने बताया कि सोनम जो है पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, तो वंस अगेन कुछ बच्चों के सवाल है। बच्चे बड़े सवाल भेजते पाजी, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि सोनम से पूछने हैं कि अगर एक दीवार को बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, एक दीवार बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, हाँ, तो 5 आदमियों को वो दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक आदमी को एक दीवार बनाने में, एक दीवार बनाने में हाँ। 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं। 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं। तो 5 आदमियों को कितने घंटे लगेंगे? उसका into 5। उन्होंने ये लिखा है कि कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये बच्चों का सवाल था, मैंने पहले कहा तो आप एयरलाइंस इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही हैं कि एक लड़के को एक बार इमरजेंसी में प्लेन से नीचे फेंक दिया गया, उसको फिर भी कुछ नहीं हुआ, बताओ क्यों? फिर भी प्लेन से फेंक दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, खड़ा होगा प्लेन, टेक ऑफ नहीं हुआ होगा। हाँ बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। अरे कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? बच्चों ने क्या लिखा है? बच्चों ने लिखा कि रात को सो के। अधिकारी मैडम जी आइए, ये लीजिए, हम हैं बच्चा यादव, ये हमारा तबेला, ग्रांट के जो पैसे लाए आप हमें दे सकती है। ये आप क्या कर रहे? मैं अधिकारी नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। अरे एक मिनट यार, ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हेलो बबलू, अरे श्रीनगर का 2 टिकट कटवा दो यार, यार अचानक से शादी हो गया, हनीमून पे जाना पड़ेगा। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो यार, कमरे में दूध रखने का जरूरत नहीं है, भाभी दूध साथ में लेकर आएंगी। आपको सुनाई नहीं देता, मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे तो चीर देंगे। जाइए यार, वैसे भी आप मांग क्यों रही है, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, कुछ काम दाम कीजिए ना, मांगती क्या है ची? मैं आपको मांगने वाली लग रही हूँ, दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। हो गया। ओह खत्म हो गया। देखिए यहाँ से 50-50 कोस दूर कोई भी दूध वाला नहीं है, और किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है हमारे दुकान के सामने दूध बेचने की कोशिश कर सके। ये देखिए शुद्ध बच्चा दुग्ध डाला है, 6 माह से 70 साल के नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ। देख रहे हो हमें यहाँ बच्चा यादव, ये रहा हमारा तबेला। ए, 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 क्या झूठ बोल रही है ये, हम है बच्चा यादव, 100% शुद्ध बच्चा यादव हम है, आइए हम आपको दूध दे देते हैं। एक मिनट, अभी तक तो भाव नहीं दे रहे थे, अचानक से बदल गए गिरगिट। जब सिचुएशन बदलती है तभी तो इंसान बदलता है। मैडम
ये चार चार महीने अपना कच्चा नहीं बदलता, सिचुएशन कहाँ बदलेगा ये? आप इसकी बातों में ना आए, आप हमारी बाहों में आइए, आप हमारे तबेले में आइए, बताइए कितना दूध चाहिए आपको। अरे रुक जाइए मैडम, हमारा दूध लीजिए, हमारे दूध में बहुत ताकत है। आपको पता है शक्तिमान जो है ना, हमारा ही दूध पी के उड़ता है। शक्तिमान तो बंद हो गया। हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत थोड़ी ना पिलाया था कि पी के उड़ता ही रहेगा। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं हमारे दूध में बहुत विटामिन है, माँ की ममता है। अरे हमारे दूध में बाप की बपता है। एक मिनट, क्या माँ की ममता बाप की बपता? मुझे सिर्फ दूध चाहिए। देखिए मैडम, ये मकार है, जालसाज आदमी है, हम यहाँ बच्चा यादव। देखिए कप्पू शर्मा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है रुकिए आप, हम पुलिस को बुला कर लाते हैं। रुकिए आप, रुकिए। अरे मैडम आप इधर आइए। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच एंड मिन। आप स्क्रैच करें, आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। करिए। मुबारक हो, आपका गोबर निकला है। दूध देना है तो दीजिए, वरना मैं चली। अरे आप तो बुरा मान गई यार, बात तो सुनिए, इधर आइए। हम आपको दूध देते हैं, लेकिन आप जो भी बनाएंगी, आपको हमारी भैंसिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? अरे वो अपने बछड़े का दूध आपको दे रही है, आप बदले में उसको कुछ नहीं दे सकती? अभी बड़ी सेल्फिश है आप तो। पैसे तो दे रही हूँ। पैसे से दूध ले सकती है मैडम, किसी का जमीर नहीं ले सकते हैं आप। हाँ अरे जमीर कहाँ से आ गया बीच में? तो दूध से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, जमीर काहे नहीं बन सकता है? एक दिन तो हम इतने इमोशनल हो गए थे, दूध से हमने मटर जमीर बना दिए थे, बता रहा है मैडम। हाँ इंसानियत नाम की भी कोई पनीर होती है। आप गलत बोल रहे, इंसानियत नाम की चीज होती है, चीज। ए चीज अंग्रेजों ने बहुत प्रमोट कर दिया, हम पनीर को प्रमोट करेंगे अभी। बता रहे हैं। देखिए आप दूध दे रहे तो दूध दीजिए, वरना आपका प्रमोट की जगह ना यहाँ पर विस्फोट कर देंगे। अच्छा तो विस्फोट करेंगी? खुद को बॉम्ब समझती है का? है? ले जाइए दूध, जितना लेके जाना है। अभी घर पे चाय में बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आप तो हर बात पे लड़कियाँ पुलिस बुलाती है, आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जी हम आ गए, अभी पहुंचे हैं। कहाँ जे मुन्ना को लूज मोशन लग गए हैं? हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, ये डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा बच्चे का? ये बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, जे लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय जे बबलू सुन रहे हो, जे डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा, एक काम करो डायपर ही पहना दो। हाँ और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, जे बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ बच्चा यादव बताइए। अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। जे दो बच्चा यादव? जे दो बच्चा यादव यानी कि दो बाहुबली? जे एक साथ दोनों रिलीज कैसे हो गए? अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव, ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा जे हम कैसे मान लें कि तुम हो बच्चा यादव? जे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जहाँ तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो, जे हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा? अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव, 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहा है, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं, हम हैं असली बच्चा यादव। हम कैसे मान लें कि तुम ही हो असली बच्चा यादव, बताओ? अरे जैकी श्रॉफ भी हमको कहता रहता है कि तू हमारा बच्चा, आ जा मेरा बच्चा, बच्चा मेरा आ जा। हां सच में। अरे हमें असली बच्चा यादव, हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का, 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ। जे बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाय जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए। सच में दिमाग फट गया है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates